गुरुवार सुबह स्वामी विश्वानंद सरस्वती ने महाकाल दर्शन किए। दर्शन के दौरान स्वामी विश्वानंद ने महाराष्ट्र में मंदिरों में दर्शन व्यवस्था शुरू नहीं होने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की निंदा की। स्वामी विश्वानंद सरस्वती ने बताया कि महाराष्ट्र के अलावा पंजाब हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में मंदिरों में दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जबकि महाराष्ट्र सरकार को मंदिरों के पट खुलने से आपत्ति है। जबकि यहां मदिरा की दुकानें धड़ल्ले से संचालित की जा रही हैं और मदिरा की दुकानों में शराब लेने के लिए कई किलोमीटर की लाइन में लगकर शराब ली जा रही है। महाराष्ट्र सरकार को मंदिरों से परहेज है, जबकि मदिरा से उसे विशेष प्रेम है। स्वामी जी ने बताया कि वह प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व महाकाल दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में एक महीने की भागवत कथा, शिव कथा सहित अन्य अनुष्ठान के पश्चात महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन आए हैं। हम लोग आज थोड़े हर वर्ष दीपावली पर महाराष्ट्र में उल्हासनगर में एक महीने का आयोजन होता है, उसमें एक श्रीमद् भागवत या राम कथा या शिव महाकथा किसी एक कथा का आयोजन होता है वहाँ पर लाइव, और अक्षय नवमी पर हवन का कार्यक्रम होता है। लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र सरकार की कुछ ऐसे डिसीजन, वो तो अभी बंद हैं, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं कि हर साल की तरह नियम पूरा करने की बात है भक्तों की, तो भक्तों के आग्रह पर वहाँ पर जा रहे हैं। एक दिन हमें ही वो दिखा रहे थे कि 300 व्यक्ति की शराब वाली दुकान के बाहर लाइन लगी है, एक से एक गच करके पूरा जो है भीड़ है। लेकिन मंदिर के अंदर भाई अगर सीमितता से लोग प्रबंध कर सकते हैं तो फिर ऐसा इनकार करना अच्छा नहीं था। अभी भी उनको खोल देना चाहिए, दीपावली के अवसर पर देवी देवताओं की पूजाएं हो, हवन हो, जो कि सरकार के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी।